अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई उस्मान मुगल एक नए ब्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि आईफोन पे हम लोग इंशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने देखा होगा आईफोन का स्टॉक हमारे पास आना शुरू हो चुका है और इसको इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे आने वाले मंथ्स में। आप देखेंगे कि मैसिव क्वान्टिटी जो है वो आईफोन की, तकरीबन क्वान्टिटी और सारे मॉडल्स को अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी मज़ीद मैं आपको डिटेल ब्रीफ करूंगा वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डिटेल वीडियो में मैं आपका भाई उस्मान मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप इंट्रो में देख चुके हैं कि वीडियो जो है वो आईफोन से रिलेटेड होने वाली है, और गूगल है और सोनी के कुछ मॉडल्स हैं वो आपको भी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, आईफोन में हम देख लेते हैं जी, आईफोन आईफोन 12 सबसे मिनिमम, वैसे तो 11 भी आया था लेकिन 11 अगर आपको चाहिए होगा तो मिल जाएगा, इस वक्त स्टॉक में ख़त्म हो गया। आया था 11 हमारे पास, आईफोन 11 आपको मिलेगा 63,500 में। अच्छा मैं आपको बता दूं, जिन आईफोन्स में हम डील कर रहे हैं इस वक्त, ज़्यादातर फैक्ट्री अनलॉक जो होंगे वो ऑन डिमांड आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। हम अभी इस वक्त, क्योंकि दो तरह के आईफोन आ रहे हैं, फैक्ट्री अनलॉक और जेबी, आईफोन का मिनिमम टैक्स जो है वो 1,30,000 रुपये है। शायद छोटे 7 7 प्लस उसमें तो हम डील नहीं करेंगे। बहरहाल हम लोग ऊपर वाले हाई एंड मॉडल में डील करेंगे, जैसे कि आपने देखा है 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स वगैरह हमारे पास आ रहे हैं ग्रुप में डेली बेस पे। उनकी एड डेली नहीं भी लग रही तो या तो स्टेटस लग रहा है हमारा मोबाइल हब के डिफरेंट नंबर जो हैं उन पे, और उसके अलावा भी हम लोगों का जो है चैनल, व्हाट्सएप चैनल जो है या जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, वहाँ पे भी हम लोग ब्रीफली डिटेल में एड्स पोस्ट कर रहे हैं आईफोन के भी, जैसे जैसे आ रहे हैं हमारे पास। तकरीबन 1 साल हो गया था और लोग मुझे कह रहे थे आईफोन आप ज़रूर करें आईफोन, और मेरे दिल में भी था आईफोन हम करें, लेकिन कुछ आप कह लें कि सुस्ती भी हो गई। और हालांकि आज से 4 साल पहले जब आईफोन, यानी कि अगर मैं अपने सराउंडिंग की बात करूंगा तो लोगों को इतना आइडिया भी नहीं था, तो उस वक्त मैं सिर्फ आईफोन ही करता था जब, यानी यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं था हमारा, मैं OLX पे हमारा सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंट था वहाँ पे। 4 साल पहले की आपको मैं बात बता रहा हूँ, तो आईफोन में टॉप एंड से लेके मिनिमम रेंज तक सारा बल्क हमारे पास सिर्फ आईफोन का ही होता था। फिर आईफोन में आहिस्ता आहिस्ता देखा देखी और बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने गन डाल दिया आईफोन में, यानी कि वो इतना लो क्वालिटी प्रोडक्ट और इतनी लो क्वालिटी स्टॉक उन्होंने बेचना शुरू किया कि हम उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से मैंने आईफोन को स्किप करने का जो है ना वो इरादा बनाया कि यार आईफोन में, अगर जाहिर ही बात है जब लोगों को एक चीज़ की समझ नहीं है तो फिर हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या हम अच्छी चीज़ रख के बैठे रहें और लोग जो है वो ख़राब चीज़ें कंपैरेटिवली हमारे बेचते रहें और तो फ़ायदा नहीं हो रहा था कोई ख़ास, तो इस वजह से आईफोन स्किप किया था। लेकिन अब जो मौजूदा चीज़ जा रही है क्वालिटी प्रोडक्ट की, दोबारा से मैंने देखा है डिमांड है और लोग चाहते हैं कि यार एक अच्छी प्रोडक्ट हमें मिले जिसको हम तसल्ली से चलाने के बाद बेचें, उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी हो। तो इस वजह से आईफोन को दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है, तो आप लोगों से दुआओं की भी खसूसी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें अल्लाह इस स्टेप में भी हमें, जैसे आप लोगों ने हमेशा हमें कामयाब किया है, आप लोगों की रहनुमाई ने, आप लोगों के रिस्पॉन्स ने, आप लोगों की दुआओं ने, तो ये आप लोगों का ही जो है मैं तो कहता हूँ कि सर चश्मा है हमारी जो भी कामयाबी है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं खास, या तो ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है। इसमें इंसान कहे कि ये मैं कर रहा हूँ या हम सब मिलके कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत उलाम बात है, असल अल्लाह ही करता है और इंसान को रास्ते अल्लाह ही दिखाता है कामयाब जब उसने किसी को करना हो। और बहरहाल ये तो एक दुनियावी तौर पे बात है, असल कामयाबी तो ये है कि हम सब हिदायत पे आ जाएं, उससे बड़ी कोई कामयाब नहीं। बाकी आप पैसे आपके पास हों उसमें रह के आपकी ज़िंदगी में अगर दीन जिंदा है तो आप कामयाब हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपकी ज़िंदगी में गुर्बत है और उसमें अगर आपकी ज़िंदगी में दीन जिंदा है तो आप कामयाब है। कामयाबी का क्राइटेरिया पैसे होने या ना होने से नहीं है, तो ये बात अल्लाह मेरे दिल में भी उतार दे जो कि हमारे दिलों में है नहीं और आप लोगों के दिलों में भी उतारे, क्योंकि हम सब मुसलमानों को इस चीज़ पे आने के लिए बहुत मेहनत दरकार है
और अब हम इस मेहनत से कोसों दूर हैं। तो बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक की जानेब। आईफोन 11 63,500 में मिल जाएगा। उसके बाद ही आईफोन 12 में आप देख सकते हैं स्टॉक आया है, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, बिल्कुल 100 हेल्थ है इसकी और बहुत शानदार कंडीशन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये आप लोगों को मिल जाएगा 84,000 में। ये देखेंगे, ये 64 GB है, JB है और फैक्ट्री अनलॉक, और आपको मैं JB का बता रहा था क्योंकि लोग टैक्स नहीं जमा कराते, तो फैक्ट्री अनलॉक और JB में भी कोई 30 से 50 हज़ार रुपये का फर्क है प्राइजेस में। अगर हाई एंड मॉडल पे जाएंगे तो 1.5 1.5 लाख रुपए का फर्क है, 2,60,000 रुपए का है 15 प्रो मैक्स जो हम बेच रहे हैं JB वाला, और जो अदर हैंड हम जो दूसरा बेच रहे हैं फैक्ट्री अनलॉक हमने बेचे हैं नेचुरल आए थे 4,20,000 रुपये उसका रेट है, 4,15,000 रुपये तक बिक रहा है, तो 256 GB, तो इतना फर्क है हाई एंड मॉडल में। तो मेरा हिसाब है कि जब आपने अप्रूव तो करवाना ही नहीं है तो आप लोग मेरे हिसाब में JB को ही हम भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें ही सेल्स भी है और लोगों की रिक्वायरमेंट है। देखिए मैं इससे कोई मसला नहीं है, फैक्ट्री हो या JB हो, जो लोग रिक्वायरमेंट करेंगे हमने वो चीज़ बेचनी है, तो JB की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसलिए हम लोग अभी फिलहाल JB स्टॉक मंगा रहे हैं। अगर आपको किसी को फैक्ट्री चाहिए होगा तो वो भी आपको ऑन द डिमांड मिल जाएगा। ठीक है जी, 12 मैंने आपको दिखा दिया, 64 GB है, 84,000 का है, ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रेट है। उसके बाद आ जाते हैं जी 13 में, ये दो हैं, 128 GB है आप देख सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का स्टॉक है ये आप देख सकते हैं, iPhone 13 128 GB, ये आप लोगों को मिल जाएगा 1,23,000 रुपये में। ये बहुत शानदार फ़ोन है और ये देखें जी ये ऑन भी है, इनकी हेल्थ भी है, वो जो 12 है उसकी तो 100 हेल्थ है, इस वाले को भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी भी 100 हेल्थ है, ये आप देख सकते हैं iPhone 13 ब्लैक, और ये वाला ऑन नहीं है अभी, वरना इसकी भी मैं आपको हेल्थ बता देता हाथ के हाथ। हाँ जी, ये चार्ज नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं iPhone 12 प्रो पे। ये देखें जी iPhone 12 प्रो है और इसकी भी बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी है, और ये 256 GB में है हमारे पास 12 प्रो और 13 प्रो। ठीक है जी, बाकी जिनके अभी रेट जो स्टॉक खत्म हो चुका है उसका मैं आपको रेट नहीं बताऊंगा, वो आपने ग्रुप में से देख लेना है। ये 12 प्रो है जी 256 GB, इसका रेट आप लोगों को मिल जाएगा, ये आप ले लीजिएगा 1,30,000 रुपये में, बिल्कुल शानदार कंडीशन में, स्पेस ग्रे कलर है। उसके बाद ये 13 प्रो एक पड़ा हुआ है, ये भी काफ़ी पीस थे, अब ये एक आधी रह गए हैं। ये देखें जी 13 प्रो, बैटरी बैटरी इसकी 86% बैटरी हेल्थ है, सेरा ब्लू कलर है और बहुत अच्छी कंडीशन में, मेरे हिसाब में ये आपको मिल जाएगा 155,000 का, ये भी 256 GB है। ठीक है जी, सॉरी इसमें ग्रे जो है वो 155 का है और जो इसमें ये सेरा ब्लू है ये 158 का है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आईफोन से रिलेटेड मैंने आपको 15 प्रो मैक्स 14 प्रो तकरीबन आपको मिल जाएगा बॉक्स पैक 128 GB, वो आप लोगों को 14 प्रो मिल जाएगा 1,85,000 रुपये का, 2,05,000 रुपये का मिलेगा 256 GB। उसके बाद किट्स में हमारे पास अवेलेबल है 14 प्रो मैक्स 2,10,000 रुपये से लेके तकरीबन 1,90,000 रुपये से शुरू हो रहा है और 2,10,000 रुपये तक 14 प्रो मैक्स का रेट है किट्स का। उसके बाद 2,60,000 से लेकर 85,000 80,000 रुपये तक रेट है 15 प्रो मैक्स का, तो 2,60,000 रुपये में व्हाइट और ग्रे है और 2,65,000 रुपये का है ब्लू। ठीक है जी, 15 प्रो मैक्स 256 GB की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो ये सारा स्टॉक हमारे पास रेगुलरली रूटीन में आ रहा है, जिसको भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपीरिया पे, Xperia 1 Mark 3 हमने लास्ट टाइम बेचा 98,000 का, उसके बाद 95 का भी बेचा है, अभी जो मेरे पास करंटली आप लोगों के लिए रेट है वो है 79,000। ठीक है जी, तकरीबन 20,000 रुपये ऑलमोस्ट डेप्रिसिएट है, 79,000 में आप लोगों को मिल जाएगा। ग्रुप में हमने तस्वीरें भी भेज दी हैं, वो पड़े भी हुए हैं, ब्लैक ग्रीन कलर है इसमें हमारे पास। ठीक है जी, Xperia 1 Mark 3। उसके बाद आ जाते हैं Xperia 5 पे, वो आपको PTA जो 1 Mark 3 है वो भी ऑफिशियल अप्रूव है और जो Xperia 5 है वो भी ऑफिशियल अप्रूव है, वो आप लोगों को मिल जाएगा 38,000 में। और उसके बाद Xperia 5 Mark 2, Mark 2 पड़े में ना अभी, Mark 2 आप लोगों को मिल जाएगा 48,000 में। Mark 2 में इनविजिबल सा शेड है, 8 GB 128 GB 865 स्नैपड्रैगन होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग
एक्सपीडिया के तकरीबन यही स्टॉक है। XZ3 काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा था उधर रिस्पॉन्स आ रहा है, XZ3 जो है ना मिल नहीं रहा इस वक्त, और उसकी प्राइस भी इतनी ऊपर हो चुकी है कि वो ना जस्टिफाई नहीं हो रहा। उससे बहुत बेहतर एक्सपीडिया 5 है, 30,000 रुपये का जिसने XZ3 लेना है वो भी उससे बेहतर एक्सपीडिया 5 ले, 6 GB 64 GB है, और XZ3 से बहुत ज़्यादा आगे वाला फ़ोन है। तो आप इसलिए हम लोग उसको कंटिन्यू करें। उसके बाद गूगल पिक्सल का स्टॉक है जो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। इसी में गूगल पिक्सल में बॉक्स पैक में हमारे पास आया हुआ है पिक्सल 3, 36,000 रुपये का। ये आप देख सकते हैं डब्बा पैक अनयूज्ड, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं डब्बे खोल के रखे हुए हैं। पिक्सल 3 XL ये जो है 4128 है, ये 6/64 है 3 XL, ये आपको 39,000 में मिल जाएगा और ये 36,000 में मिल जाएगा। ये 128 है इस वजह से थोड़ा इसका आप कहेंगे कि एक्सेल भी उतने का ही और थ्री इतने का, वो 128 है। अगर इसमें ये होता सिंपल तो शायद वो 30-31 हज़ार का होता और वो 64 है। और 4 XL बॉक्स पैक में आपको मिलेगा जी 55,000 रुपये का, और खाली फ़ोन मिलेगा 52,000 का, वो भी स्टॉक अवेलेबल है। उसके बाद पेपर फोन आए, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पिक्सल 5 का स्टॉक अवेलेबल है कहीं पे भी। ये 53,000 रुपये में मिल जाएगा ये पिक्सल 5, और 55,000 रुपये में मिल जाएगा पेपर फोन में आपको पिक्सल 5A 5G, ठीक है जी। ये 6/128 है, ये 8/128 है, और पिक्सल 5A 5G में नॉन PTA, ये नॉन PTA, ये आप लोगों को मिल जाएगा जी 40,000 रुपये का। ये यानी कि आप कह रहे हैं कंट्री लॉक है, ठीक है, पाकिस्तान में चलेगा, बाहर ले जाके मेरे ख्याल में चल जाएगा, बाकी कंफर्म नहीं पता इसका भी, लेकिन हम कंट्री लॉक बेच रहे हैं ये। उसके बाद एक ये फ़ोन आपको दिखाता चलूँ, हाइड्रोजन 1, इसकी डिटेल मिक्स मॉडल में कवर करेंगे। ये बहुत ये हथौड़ा फ़ोन है, कहने के दीवारों पे भी मार दें तो कोई मसला नहीं। ये एक आप लोगों के लिए सैंपल के तौर पे पूरा, वैसे तो कॉटन आया हुआ है लेकिन हम ये अभी देख रहे हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। ये 26,000 रुपये का पड़ेगा, सिंगल सिम है, ठीक है जी, PTA अप्रूव है, 26,000 रुपये का मिलेगा, 128 GB मेमोरी है, और ये बैटरी 5,000 से भी ऊपर है इसकी, तो ये तकरीबन 1-1.5 दिन चलता है, बहुत अच्छा फ़ोन है बहरहाल। तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। आपका आपके हमारे चैनल को जितना भी आप लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहता हूँ, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करने की हमेशा मेरी कोशिश रही है। लेकिन अगर कोई कमी पेशी हो जाती है उसके लिए तहे दिल से माजरत है, और बेहतरी हर चीज़ में हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है, तो इंशाल्लाह मज़ीद हम लोग इस चीज़ को बेहतर करते रहेंगे आप लोगों के लिए। बस अपनी खसूसी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और मेरी टीम को भी दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा, और जो इंटरनेशनल ख़ास तौर पे इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करे रखें। अल्लाह पाक हम लोग को इस अज़म पे जो हमने किया है मिनहसुल कौम, इस पे जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे चैनल का भी ख्याल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।